हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन से मैंने अपने वीडियोस नहीं डाले चैनल पे, थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई थी क्योंकि इस बार कोरोना में हमारे मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए वीडियो नहीं बना, मेरा नहीं बना पाए। कुछ ऐसी बातें होती हैं ना कि फिर मन नहीं करता कि कुछ बनाएं या कुछ किसी से कहें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ या जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ इस महामारी में खो दिया है वो समझ सकते हैं मेरी बात को। और मैं जब बहुत जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी, बस कुछ दिन का और वेट कर लीजिए, मैं वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी भी। और मैं क्या कहूँ, आप सबकी बहुत याद आती है, आप सब लोग कितना प्यार देते हैं मुझे। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ आपका परिवार सही सलामत आपके पास रहे। तो आज के लिए इतना ही, बस मैं बताने के लिए ही आई थी कि मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, बनाऊँगी वीडियो। बस आप मुझे कुछ समय दें और प्लीज़ मेरा सहयोग करें इसमें। और क्या कहूँ मैं यार, सब टूट के मेरा सब बिखर गया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कुछ बचा नहीं मेरे पास। कुछ सोचने के लिए भी नहीं बचा, बस यादें यादें रह गई, ये सोचते रहते हैं, बस दिन कटता रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, ना कुछ खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है। लगता है कि बस किसी तरह से वो वापस आ जाएं, तो बस आएं और गेट खटखटाएं कि खोलो मैं आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, वो मैं जानती हूँ, ये बस मेरी अपनी सोच है। और क्या कहें, मेरा ही भाग्य खराब था जिसकी मुझे सज़ा मिल रही, पता नहीं किन पापों की सज़ा मिल रही है मुझे। मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है या हो गया है मैं उसको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि अपना एक औरत का संसार होता है जो अपने पति और अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहती। तो आप कुछ समय इंतज़ार करिए और मेरा सहयोग करिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको जो है वीडियो बना के दिखाऊंगी। और आप, अब मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, बस आप अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।